500 से ज्यादा जगह तुमने रेड मार ली, कहीं चवन्नी मिली हो, अठन्नी मिली हो, एक रुपया मिला हो, इनका नाश करेंगे, तानाशाहों का नाश करेंगे। मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं। गिनती से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत? लोकसभा चुनाव का रण अब खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सभी राजनीतिक दलों के बीच में खूब जुबानी जंग देखने को मिली थी। अब सभी को 4 जून का इंतजार है। दूसरी ओर केजरीवाल के तिहाड़ जेल जाने पर सियासी गलियारों में हलचल देखने को मिली है। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के बाद आज तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करने से पहले वो सत्ताधारी बीजेपी पार्टी पर जमकर बरसे। दिल्ली के सीएम और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं लिख कर दे सकता हूं कि सभी एग्जिट पोल फर्जी हैं। चुनाव परिणाम घोषित होने से ठीक 3 दिन पहले बीजेपी को ये फर्जी आंकड़े जारी करने की क्या जरूरत थी? अभी कल एग्जिट पोल आए हैं, मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल वाले ने राजस्थान में टोटल 25 सीट है, उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को। ऊपर से आया होगा भाई बीजेपी को ज्यादा देने हैं, तो उसने कहा मोदी जी क्या याद रखोगे, आप भी आपको 25 में से 33 दे दिए, तो पूरा का पूरा फर्जी है, पूरा एग्जिट पोल फर्जी है। लेकिन असली मुद्दा ये है, इनको गिनती से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत थी, ये समझने वाली बात है। मेरे को भी समझ नहीं आया, कई सारे लोगों की कई सारी बातें चल रही हैं। एक ये चल रहा है कि इन्होंने मशीनों का घोटाला कर दिया, लेकिन मैंने संदीप पाठक को भी बोला है और मैं सारे इंडिया गठबंधन की पार्टियों को बोलना चाहता हूं, अपने अपने काउंटिंग एजेंट को बोल दो पूरी तरह से सतर्क रहे, आखिरी तक अगर हार भी रहे हैं तब भी उठ के ना आए। कई बार क्या होता है, एक राउंड में, दो राउंड में, तीन राउंड में हार गए तो उठ के चले जाते हैं, उठ के नहीं जाना। सबसे लास्ट में रैंडम जितने बूथ होते हैं, ईवीएम मशीन होती है, उसकी पर्चियां पड़ती हैं, उन पर्चियों में से 5% पर्चियां उठाई जाती हैं, उन 5% ईवीएम की मैचिंग वीवीपैट की स्लिप से कराई जाती है। वीवीपैट पे जो स्लिप है उसकी काउंटिंग होती है, जैसे बैलेट पेपर की काउंटिंग होती थी, और उसकी काउंटिंग और ईवीएम की चेकिंग होती है दोनों की। एक भी मशीन अगर मैच ना करे तो वहां चुनाव रद्द कर दिया जाता है। तो अगर आपने ये चेकिंग कर ली वहां पे, तो इसका मतलब फिर ईवीएम का घोटाला हम बचा सकते हैं, फिर ईवीएम के घोटाला अगर कर रखा इन्होंने तो हम उसको एक्सपोज कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि 4 जून को भी मंगलवार है और भगवान हनुमान हमारे देश में तानाशाहों का नाश करेंगे। मैं अभी राजघाट गया था सभी साथियों के साथ, महात्मा गांधी की समाधि पे हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी। गांधी जी ने इस हमारे देश से तानाशाही का अंत किया था, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उसके बाद हम कनॉट प्लेस गए, हनुमान मंदिर, वहाँ पे हमने हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। 4 तारीख को भी मंगलवार है, भली करेंगे बजरंग बली, करेंगे कि नहीं करेंगे, बोल बजरंग बली की, इनका नाश करेंगे, तानाशाहों का नाश करेंगे। अपने को किसी व्यक्ति विशेष से अपनी कोई दुश्मनी नहीं है, अपनी दुश्मनी तानाशाही से है, तानाशाही बर्दाश्त नहीं है अपने को। तो 4 तारीख को भी मंगलवार है और बजरंग बली का मेरे ऊपर, पार्टी के ऊपर बहुत आशीर्वाद है, देश के ऊपर बहुत आशीर्वाद है। मैं प्रार्थना करने गया था बजरंग बली को कि हे बजरंग बली, मेरे देश को बचा लो। केजरीवाल ने कहा कि मैंने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई थी प्रचार के दौरान। पीएम ने स्वीकार किया कि उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्होंने 500 से अधिक स्थानों पर छापे मारे लेकिन एक भी पैसा बरामद नहीं कर पाए। तो मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, आज मैं दोबारा, आज आपका बेटा दोबारा जेल जा रहा है,
इसलिए नहीं कि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया है, इसलिए कि मैंने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत की है। इस प्रचार के दौरान एक सबसे बढ़िया बात यह हुई कि सारे देश के सामने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कबूल किया कि उनके पास मेरे खिलाफ रत्ती भर भी सबूत नहीं है। हम कहते थे ना, जब भी हमसे पूछा जाता था कि भाई ये कह रहे हैं 100 करोड़ रिश्वत ली, 100 करोड़ रिश्वत ली, वो 100 करोड़ कहां गया? 500 से ज्यादा जगह तुमने रेड मार ली, कहीं 54 मिली हो, 58 मिली हो, 1 रुपया मिला हो, कहीं हमने खर्च किया हो, कहीं कैश पड़ा हो, कहीं लॉकर में मिला हो, कहीं स्विस बैंक में मिला, कहीं 54 नहीं मिली तो पैसा कहां गया?